आज पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर 12 साल पूर्व दर्ज दुष्कर्म के आरोप से बरी होने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी राजनीतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए प्रश्यंत्र रचा गया था। उन्होंने बताया, जनपद में खूब विकास हुआ लेकिन शोषित वातावरण अच्छा नहीं रहा। हम शोषण मामलों में अन्य जनपदों से पिछड़े हुए हैं। वो लगातार जनपद में अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए प्रयासरत रहे, लेकिन दूषित मानसिकता के लोगों ने बढ़ते कदम रोकने के लिए उन पर ऐसा मिथ्या आरोप लगाया जिससे उनकी राजनीतिक व सामाजिक छवि को बहुत नुकसान पहुंचने का प्रयास किया गया। जब कुछ लोगों का एक मुकदमे से दिल नहीं भरता तो उन पर एक और मिथ्या आरोप लगाया, वह सामाजिक शैक्षणिक सनातन व संस्कृति के लिए काम करने वाला हूं, उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया। मेरे 75 वर्ष पूरे हो रहे थे और यहाँ विजय कौशल की कथा थी और 2019 का फैसला आ गया था, बोलेंगे नहीं यार। उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी, इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं न आगे पाए। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहता है? मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुँचाइए, संस्था की प्रगति में बाधा ना बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो, हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए ला कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियाँ ला कॉलेज की, दोनों LLM की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता कि ला कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, ला कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत ला कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, जो नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था, तो लेकिन यहाँ बर्चस्व राजनीति बर्चस्व की बड़ी लड़ाई थी, क्या मानते हैं कि बर्चस्व के चलते भी कहीं ना कहीं आपको? देखिए, बर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त है, मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहाँपुर जाता था, सभी गए शाहजहाँपुर से आए। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती, अभी भी थोड़े दिन पहले तक सिडनी से मेरे पास निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया था, न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चित्र, यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक सभी जानते हैं हमारे योगी के क्या संबंध है, तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना। स्वामी जी, राम मंदिर में भी अग्रणी भूमिका निभाई आपने और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से बिछवाया जाए सच्चाई हो, तो नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगा हुआ है, अब मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुंचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। वो कौन पूछ रहा था? राम मंदिर का सवाल मैं यही बता दूं आपको, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया, अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊं, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैंने योगी से कहा था
कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा प्रेस आपके साथ मेरे फोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा, इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी बात, हमारी उनकी चर्चा होती रहती, वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फोटो खींच कर को बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने स्वामी जी आप पर जो आरोप लगे थे मीडिया ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए, दिन दिन भर के प्रोग्राम बनाए, अब अपील नहीं किया मीडिया से, आप अपना अधिकार मांगेंगे इस बात का? मीडिया से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, जो चीज मैं नहीं जानता था वो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, कहानी गढ़ी गई। अब निश्चित ही मीडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी ने इस्तेमाल किया होगा, मीडिया को उद्देश्य नहीं देता, मीडिया तो मीडिया होती है, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल करता है वो दोषी होता है, मीडिया को दोष नहीं देता। नहीं, अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे, अब तो हमें अधिकार हो गए दर्शन करने का, मैंने अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे, और विशेष निमंत्रण आया था, खास रूप से फोन आया था मुझे कि आपको आना है, लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूंगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे, कहीं उनकी फोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग, हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प हैं, और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूँ यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो ये कभी नहीं चाहूंगा। आप जब सभी आरोपों से मुक्त हो चुके हैं, राजनीतिक में शामिल राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मैं मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने वो जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जमान पर है, और हो सकता है आप लोग भी जानते हो किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान भरी हुए, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है, वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े हिस्से अंतर से हो रहा है, इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे, और मैं आज आप लोगों से बीच कहता हूँ कि 10 साल नहीं लगेंगे,